नमस्कार, आदाब, हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। आज मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था हूं, मेरा साथ आज चंडीगढ़ से जोड़ रहे हैं अजय वीर जाखर जी। अजय वीर जाखर भारत कृषक समाज का अध्यक्ष है, वो मौजगर गांव आबोहर फजिलका जिला पंजाब में एक किनू उत्पादन करते हैं, और साथ साथ आज अजय जी पंजाब राज्य का जो किसान और खेत मजदूर का कल्याण की जो संस्था है उनका भी अध्यक्ष है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द पंजाब स्टेट फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स वेलफेयर कमीशन। धन्यवाद अजय जी, आपने आपका कीमती समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, और आज आपके साथ हम ये जो तीन अध्यादेश आए हैं, तीन ऑर्डिनेंस आए हैं जो जून महीना का 5 तारीख, 3 हफ्ते के आसपास हुआ अभी, जो राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, और ये तीन जो अध्यादेश है इसका असर भारतवर्ष का किसान के ऊपर क्या पड़ेगा और पंजाब का कृषक के ऊपर क्या पड़ेगा, ये सारे विषय के ऊपर आपके साथ हम बातचीत करेंगे। क्योंकि ये जो एक तरह से पूरा तीन कानून बदल गया बिल्कुल, जिस तरह से कृषक उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, भंडार में रखते हैं, इसका दाम क्या होना चाहिए, कीमत, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। एक तरह से सिर्फ चावल और गेहूं नहीं, सब्जी, फल, हर तरीका का। और आप जैसे, आपका लेख मैंने पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में, किसी के साथ बातचीत तो नहीं किया आप, भारत कृषक समाज से तो बात नहीं किया, कहीं भी कृषक का जो संस्था है इनसे बात नहीं किया, और सरकार कह रहे कि ये नया जो अध्यादेश, ये कृषक को फायदा मिलेगा, कहीं भी कौन सा कीमत में भी वो अपने जो उत्पादन है ये अब बेच सकते हैं, ये उपभोक्ता के लिए अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, और देश के लिए, देश के हित में है। तो ये तीन अध्यादेश है, एक है जो हमारे आवश्यक वस्तुओं के ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एक है जो आपका ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज APMC, यानी कि कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार समिति, ये पूरा जो 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 पूरा जो सिस्टम था, जो जो एक तरह से वो भी अभी बदल गया बिल्कुल। और तीसरी जो अध्यादेश है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में ठेका के साथ जो किसान लोग उत्पादन करते हैं, और हम शुरू करते हैं APMC यानी कि कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार समिति, इसके ऊपर आपसे हम आपका मत हम लेंगे, आपका राय हम लेंगे, क्योंकि सरकार क्या बोला मैं 2 मिनट में कहना चाहता हूं। कुछ इलाका है 2477 प्रिंसिपल मार्केट है, प्रधान बाजार है, 4843 छोटे सब मार्केट है, और एक तरह से ये क्यों ये APMC या कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार समिति को गठन किया गया था, क्योंकि आप चाहते हैं जो बिचौली है, जो इंटरमीडिएट है, ये अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, और कृषक को एक तरह से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा कृषक है, 44% कृषक है छोटे है, उसका कितना, हमारे देश में 6.5 लाख गांव है, और एक एक किसान के पास 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर है। तो ये जो छोटे छोटे जो हमारे किसान लेके आते हैं बाजार में, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो नया अध्यादेश आए हैं इसका फायदा छोटा किसान को नहीं मिलेगा, और इसका फायदा सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी को, बड़े बड़े कंपनियों को मिलेगा। मगर आपके इसके बारे में क्या राय है, उसके बाद मैं ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या कहा इसके विषय, ये 2-4 बात हम करने चाहते हैं, और पंजाब के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये भी आपसे पूछेंगे। तो आप पहले एक जो जो बड़ा छवि है, व्हाट इज द बिग पिक्चर, ये आप बताइए न्यूज क्लिक के दर्शक को।
परंजॉय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया मेरे को मेरे विचार रखने के लिए न्यूज क्लिक पे। सबसे अहम बात ये है कि जो एपीएमसी का जो कानून आया है, ये कानून ऑर्डिनेंस के जरिए आया है, ना कि एक बिल के जरिए आया है, मतलब एक अध्यादेश के रूप में आया है, ना कि बिल के रूप में आया है। बिल अगर होता तो ये उनको कानून एक ड्राफ्ट बना के इनको इंटरनेट पे डालना पड़ता, लोगों के विचार विमर्श के लिए देना पड़ता, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी पे इस पे डिस्कशन होता, क्योंकि किसानों से संबंधित है किसान संस्थाओं को बुलाना पड़ता, क्योंकि राज्य की पावर जो है वो सरकार ले रही है उनसे, उनके नियंत्रण करने की जो क्षमता है वो हटा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट से राज्यों से सलाह करनी पड़ती। ये सब ना करते हुए सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई है, एक अध्यादेश लेके आई है। मेरे हिसाब से ये पहली बात, अध्यादेश के रूप में ये कानून नहीं आना चाहिए था और सबसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। जिस दिन ये अध्यादेश मेरे हिसाब से 5 तारीख को ये अनाउंस किया जाता है, उस दिन ये कहा जाता है कि स्टेट्स से हमने कंसल्टेशन किया, हमने उनका अनुमति लिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरे समझ में है, कि कोई स्टेट से कंसल्टेशन नहीं हुआ, और क्योंकि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं तो अनुमति लेने का सवाल ही नहीं बनता है। और ये मेरे हिसाब से गलत तरीका था, जिससे राज्यों का विश्वास उड़ गया है इस कानून, इन कानून की रूपरेखा पे। जहां तक एपीएमसी कानून क्या कहता है, एपीएमसी कानून ये कहता है कि जो एपीएमसी मंडी के बाहर जो भी व्यापार होएगा, उस व्यापार के ऊपर स्टेट का कोई अधिकार नहीं होएगा, कोई नियंत्रण उस पर वो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और उस पर कोई टैक्स नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ एक तरीके से कि जो 15 करोड़ किसान जो देश में है, जब वो अपना अनाज, अपनी फसल जब बाजार में व्यापारियों को बेचने जाएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य के पास उसको नियंत्रण करने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा, स्टेट उस पर कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। ये ऐसा ही हुआ जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सेबी ना हो और स्टॉक एक्सचेंज चल रहा हो, तो ये उसी के साथ इसकी अपने तुलना कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो टैक्स कलेक्ट करना जो स्टेट्स का अधिकार था, ये उस टैक्स को जो कलेक्ट करते हैं, उस टैक्स से वो गाँव की सड़कें बनाते हैं, लिंक रोड बनाते हैं, मंडियां बनाते हैं जहाँ पे किसान अपनी फसल लेके आ सकते हैं, और उसी से एक ये किसान को एक मौका मिलता है अपनी फसल बेचने के लिए, एक जगह ले जाने के लिए। एक सवाल ये भी उठता है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी और ये क्यों लाने की जरूरत थी। इसमें मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों की भी गलती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लेके आई थी, जिसमें ये सब चीजें, ये टैक्स वाली और रेगुलेशन को हटाने वाली बातें नहीं थी। उन्होंने स्टेट से आग्रह किया कि आप इस कानून को अपनाओ कि किसानों को अच्छे दाम मिल पाए। पर अधिकतर सब राज्यों में ऐसा होता है कि जो आढ़ती होते हैं, जो कमीशन एजेंट होते हैं, वो बहुत पैसे वाले होते हैं। अच्छा, और वो जो पॉलिटिशियन हो, मैं रोक रहा हूं, ये आढ़ती के विषय के ऊपर मैं भी कहना सवाल उठाना चाहता हूं, मगर आपने एक विषय के ऊपर जो बार बार आप कह रहे हैं, ये है राज्य सरकार। बहुत लोग कहते हैं कि ये अध्यादेश लाके एक तरह से राज्य सरकार का जो क्षमता है वो सरकार, केंद्र सरकार उनसे छीन लिया, क्योंकि जब ये सवाल उठाया था, हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, जो कृषि मंत्री है, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनसे ये सवाल उठाया कि ये जो एपीएमसी है, ये जो कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार समिति है, ये तो सब पूरा राज्य सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, उन्होंने ही सब कुछ करते हैं। मगर ठीक है, सरकार बोला नहीं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि समिति सूची में है जो संविधान में है, और कह रहे एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हमारे अनाज या सब्जियां या फल जाते हैं, इसके लिए ये केंद्रीय सरकार ये ठीक करेंगे। इस विषय के ऊपर आप जरा समझ दीजिए, कौन सच बोल रहे हैं, कौन नहीं सच बोल रहे, ये हमें समझ में नहीं आ रही। आपने कहा राज्य सरकार का या राज्य का अनुमति नहीं लिया, क्योंकि आपके साथ बातचीत भी नहीं होगा, सरकार कह रहे ने मैंने राज्य सरकार का अनुमति लिया, तो हमें समझ भी नहीं आ रहे कौन सच कह रहे कौन झूठ बोल रहे। और सचमुच ये जो एपीएमसी का ये जो विषय है, ये कंकरेंट लिस्ट में है या समिति सूची में है, या ये पूरा केंद्र सरकार जो मर्जी ये कर सकते हैं? अभी केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो
खेती का जो विभाग है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, परंतु जो व्यापार का विभाग है, जो व्यापार का जो हिस्सा है वो सरकार के कॉन्करेंटली आता है। परंतु बहुत सारी राज्य सरकार, मेरे को मालूम है, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, क्योंकि ये एक सहकारी सद्भाव की भावना के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्या सही है क्या गलत है ये तो मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी, पर ये जानना जरूरी है कि राय नहीं ली गई, अनुमति नहीं दी गई, और ये उसके कारण ये हुआ है, और कुछ राज्यों को इससे बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना है, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, कुछ यूपी के हिस्से हुए, तो बहुत जगह इसका नुकसान होने की भी काफी उनके उनके फाइनेंसेस पे बहुत नुकसान होने की डर है। और सारे राज्यों में मैं यही समझूंगा कि छोटे किसान, कोई भी व्यापार होता है, कोई धंधा होता है, तो कोई ना कोई रेगुलेटर का एक जरूरत होता है, तो इस कानून से वो रेगुलेटर हटा दिया गया है, और ये एक मेरे हिसाब से बहुत गलत गलत कदम है। अजय जी देखिए, अगस्त 2019 में, एक साल नहीं हुआ अभी तक, मगर 15 अगस्त 2019 में केंद्रीय सरकार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगह में जो आप कहते हैं आर्थिया एक तरह से सिर्फ बिचौलियों ने, क्योंकि उन्होंने एक तरह से वो किसान को जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो सीधा ये आर्थिया लोग ने किसान लोग को देते, तो केंद्र बोला ये तो अच्छी चीज नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए, ये पूरा जो आपका व्यवस्था है, जो सिस्टम है, ये बदल दीजिए। तो मेरा कहना है ये आर्थिया का क्या भूमिका है, और ये जो APMC का जो कानून अभी अध्यादेश लाके सरकार, केंद्र सरकार ने दिल्ली ने बदल दिया, ये पंजाब का कृषि क्षेत्र के ऊपर क्या असर पड़ने का क्या संभावना है? देखो जब क्योंकि APMC मंडी में भी किसान को अच्छा भाव नहीं मिलता, ये अपने को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि APMC का कानून है और किसान खुश है, वो उसमें भी खुश नहीं है। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं बहुत अधिकतर सारे राज्यों में, वो आढ़तियों से, मैं कहूँगा कि उनके दबाव में होते हैं, या उनसे पैसे लेते हैं, या उनके राजनीतिक दबाव में होते हैं, और APMC मंडियों का सुधार इसीलिए नहीं हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सुधार नहीं कर रही है, हम एक और बड़ा कानून लाते हैं कि इनको सबको खत्म ही कर दिया जाए। पर मेरे हिसाब से जो रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल सही नहीं है, और ये यही एक मैं समझूंगा कि बड़ी बड़ी समस्या है कि आढ़तियों की एक सिस्टम में एक जगह है और उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि APMC मंडी से बाहर जब व्यापार हो होंगे, पर मंडी के अंदर उनपे व्यापार हो सकता था, इस पे उस पे व्यापार नहीं हो सकता है। एक मिनट, आपने अभी अभी बताया कि ये जो APMC का जो व्यवस्था है, जो आपका जो कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार जो समिति जिस तरह से काम करते हैं, ये ठीक तरह से नहीं काम कर रहे, इसमें जो भी आपका बड़े बड़े बिचौलियों हैं, अर्थियां, इनके इसका एक राजनीतिक इनका राजनीति के साथ ये एक तरह एक मतभेद है, खुद राजनेता है, एक गठबंधन है राजनेताओं के साथ, और साथ साथ आप कह रहे कि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत है, तो आपको ये APMC आपने क्यों बनाया? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं इनको आप एक्सप्लॉयटेशन आप बंद कर दीजिए, ये अनुचित लाभ उठाना बंद कर दीजिए, मगर ये जो छोटे छोटे जो किसान है वो ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, उसका यातायात का खर्चा बढ़ जाता है, मगर ये जो हुआ अभी ये जो अध्यादेश लाया है इसका फायदा उठाएंगे बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, और साथ साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आएगा जो एक और आपने अध्यादेश लाया है, आप इसमें स्पॉन्सर पार्टीज बना दिया, और आप साथ साथ कह रहे हैं पूरा आपने निजीकरण कर दिया, आप जैसे कहा कोई रेगुलेटर, कोई नियंत्रण करने वाले कोई संस्थान नहीं है, और आपने कहा ये अध्यादेश में अगर आप दुखी है, आपका कोई शिकायत है,
तो आप अदालत में चले जाइए। मगर आप जानते हैं क्या स्थिति है, एक छोटे किसान और एक बड़ा व्यापारी, एक बड़ा कंपनी अदालत में कैसे जाएंगे? एक उनका क्षमता तो एक नहीं है, एक असंतुलन है ये दोनों के जो क्षमता के बीच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये भी मेरा भी यही मानना है कि एक जो छोटा किसान है वो एक बड़े कंपनी के साथ केस नहीं लड़ सकता है, उसके पास समय नहीं है, उसको पेमेंट की तुरंत जरूरत पड़ती है। और अधिकतर यही देखा गया है कि जब वो कोई भी कोर्ट में जाएगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्ट हो, अफसरों का हो, चाहे जजेस का हो, वो उसमें बड़ा व्यापारी कोई ना कोई अपना क्या कहते हैं, कोई ना कोई तालमेल बिठा के केस जीत जाता है, और छोटे किसान के पास इतना समय नहीं है, पैसा नहीं है, वकील नहीं है जो उस कानून का फायदा उठा पाए। तो अपने को ये हकीकत माननी पड़ेगी कि अभी भी अधिकतर लोग इस देश में कोर्ट वो उनकी क्षमता ही नहीं है कि वो कोर्ट में जाके उस कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं और वहां से न्याय ले पाए। अरे जी, ये दो और अध्यादेश है, एक तो आप जिस तरह से कृषक उत्पादन कर रहे ठेके के साथ, आप कह रहे एक स्पॉन्सर पार्टी, आप एक किसान के साथ आपका एक ठेका होगा, आप कितने देंगे और कितने कीमत में देंगे और कब देंगे, ये पहले से आप ठीक कर देंगे। अचानक अगर दाम बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इसका इसका तो किसान फंस जाएंगे बिल्कुल। और साथ साथ पूरा जो हम कहते हैं जिस तरह से आप उत्पादन कर रहे हैं, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में क्रॉपिंग पैटर्न, उसमें भी फर्क आएगा। आपका बड़ा बड़ा कंपनी, मैं नाम करके बताता हूं, आपका पेप्सी चाहते हैं कि आपके लिए आप आलू का उत्पादन कीजिए, किसान आपको चाह रहे हैं कि आप टमाटर उत्पादन कीजिए कि वो टमाटो केचप बनाते हैं, आप समझ लीजिए बिस्किट वालों, पार्ले बिस्किट वालों, जो भी बिस्किट वालों कहेंगे कि हाँ आप इस तरह से गेहूं बनाइए। तो एक तरह से आपका जो पूरा क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाएगा, और साथ साथ जो किसान है ये बड़े बड़े कंपनी के साथ कैसे उनका संपर्क रहेगा, और छोटे जो है, जो आप अंग्रेजी शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, जो बटाईदार है या शेयर धारक है, और जो जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूर है, उनका तो आपने उनके बारे में तो आप कुछ सोचा भी नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बड़ी कंपनियां कोई छोटे किसान से कोई तरह के फल सब्जी या फसल की खेती करवाते हैं, उससे मेरे को कोई इतराज नहीं है कि उसे टमाटर आलू जो भी उनको फसल, अगर अगर किसान को उसका दाम मिले और उसकी फसल बिके और उसको समय पे उसको अच्छा दाम मिले, तो मैं उसके हक में हूँ। परंतु जिस तरीके से ये कानून आया है, और इससे मेरे को नहीं लगता कि देश के किसानों की किस्मत खुलने वाली है। इस कानून से मुझे नहीं लगता कि जो किसान की आमदन दुगनी होनी थी वो दुगनी इस रास्ते से नहीं होने वाली है। हमें अगर किसान की आमदन दुगनी करनी है तो सरकार को हजारों सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे मंडियां बनाने के लिए, जहाँ पे किसान अपना अनाज लेके बेच पाए, जहाँ पे व्यापारी आए, और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को मिलके ये करना पड़ेगा। आज के दिन ना तो केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ना ही राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी है कि वो ये खुद ब खुद कर पाए। तो कहना कि सरकार मंडी बनाने के काम से हट के और प्राइवेट सेक्टर को दे दे कि प्राइवेट सेक्टर अब आके हमारा काम करेगा, तो मेरे हिसाब से ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। अजय जी, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 में बनाया हुआ था, ये सब आवश्यक वस्तुओं के लिए कानून, उस समय आपने कर दिया कि भंडार में आप इतना रह सकते हैं, गेहूं बोलिए, चावल बोलिए, और साथ साथ आप कह रहे हैं अभी दाल भी लाइए, उसमें चीनी आप उसमें आलू भी लाइए, प्याज भी लाइए, जो जो तेल भी लाइए, खाने के तेल, ये सब ले आइए। और आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो प्राइस कैप, इसका जो दाम है या मूल्य है, अगर दुगना हो जाता है, 100% बढ़ जाता है, तभी सरकार इसमें एक तरह से रोक लगाएंगे। और ये है फल और सब्जियों, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस,
और जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स है वो ज्यादा जल्दी जो सड़ता नहीं, जैसे आप कहिए गेहूं कहिए चावल कहिए, इसके दाम अगर अचानक 50% बढ़ जाते हैं तब सरकार एक तरह से आगे ये इसके ऊपर नियंत्रण करेंगे, इसको कुछ रोक लाएंगे। देखिए आप भारतवर्ष का कुछ देखिए, पिछले 50 साल में 45 साल में जो हमारा चावल गेहूं खाते हैं, अगर हर व्यक्ति हर रोज कितने खाते हैं आप देखेंगे, मेरा न्यूज क्लिक का संपादक सुबोध वर्मा जी पूरा ये लेख एक चार्ट बनाया, 418 ग्राम हर व्यक्ति हर रोज से, 444 ग्राम हर रोज हर व्यक्ति 1965 से 2019, मतलब सिर्फ 26 ग्राम बढ़ा। अगर ये आप दाल देखेंगे, आपने आयात कर रहे हैं फिर भी दाल का जो 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 उपभोक्ता है कितना ले रहे, 61 ग्राम था 1965 में, वो कम होके 48 ग्राम हो गया, मतलब हर व्यक्ति हर रोज दाल कम खा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी भी देश में ऐसा नहीं है कि सब लोग पेट भर के खा रहे हैं, मगर FCI फूड कॉरपोरेशन का गोदाम में हमारे जो जितना जरूरत है चावल और गेहूं जो हम कहते हैं बफर स्टॉक, इसका 3 गुना है उनके पास। तो ये अध्यादेश लाके किसका फायदा होगा? परंजा जी, मैं समझता हूं कि सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है, परंतु उनके पास जो उनको राय मिल रही है वो राय सही नहीं मिल रही। ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का ये जो अध्यादेश लाए हैं, इसको उनके हिसाब से जो ठीक करना चाह रहे हैं, उनका ये मानना है कि अध्यादेश लाने पे प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो व्यापारी हैं, वो बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और किसान का अनाज उससे खरीदेंगे और उस खरीदने से किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। मेरा मानना है कि केवल ये कानून लाने से बड़ी व्यापारी जो कंपनियां हैं वो फिर भी पैसे नहीं लगाएंगी, क्योंकि एक तरफ अपने पास आयात निर्यात का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी बनती है, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपको, वो इससे अलग है। अब आप देखिए कि चना और अरहर की जो दाल है, ये इन दोनों की कीमत आज के दिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे बिक रही है। 75% जो दाल जो भारत में खाई जाती है वो यही दो दालें हैं। ये जो 75% दाल की जो कंजम्पशन है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम बिक रही है, पर उसके बावजूद उन्होंने मसूर की दाल के इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। आज मेरे को कल सुनने में आया कि उन्होंने मक्की की भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 15% कर दी, जबकि मक्की की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1800 से ऊपर है और बाजार में वो 1000 रुपए के आसपास या 1100 रुपए के आसपास बिक रही है। तो जो सरकार का मकसद था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उसको ठीक करने का कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, मेरे को लगता है वो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं उसमें इन्वेस्ट करेगा अभी, क्योंकि जो सरकार का मकसद ही इससे पूरा नहीं होता है। तो ये कहना कि ये कानून अच्छा है नहीं है, इसका क्या असर पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ कि इसका भी इतना अभी तक असर नहीं पड़ेगा जब तक इस कानून का भी फाइन प्रिंट नहीं आया है, अभी इसके रूल्स नहीं आए हैं। हमें उम्मीद थी कि इस हफ्ते इन 3 कानून के रूल्स आ जाएंगे, रूल्स देखने के बाद पता चलेगा कि इनका कोई असर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक होता है सरकार की, मैं कहता हूँ, नीयत अच्छी है और जो कानून लाए हैं उस कानून का असर होगा कि नहीं होगा वो भी अभी हमें मालूम नहीं है। अच्छा, कि अभी वो असर पड़ने वाला है कि नहीं। अजय जी, आप कह रहे हैं जो बारीकी से जो रूल्स आएगा, जो अधिनियम आएगा, वो पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, मगर ये आप पक्का कह रहे हैं कि बहुत सारे राज्य सरकार सबसे उच्च न्यायालय में जाने वाले हैं, यानी कि ये जैसे पूरी ये जो APMC जो व्यवस्था के खिलाफ। हाँ जी, अच्छा, बहुत सारे राज्य नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे राज्य बीजेपी के हैं और केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार है, तो जरूरी नहीं है सब राज्य इसके खिलाफ जाएंगे, पर कुछ राज्य जरूर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देंगे कि उनकी उनकी क्या कहते हैं उनकी पावर्स कम हो रही हैं और उनको अपना राज्य चलाना, यानी कि हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वो कमजोर हो जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी जो सवाल है,
सरकार बार बार प्रचार कर रहे हैं कि नहीं ये देश के हित में है, किसान के हित में है, उपभोक्ता के हित में है। एक देश एक बाजार, जैसे जीएसटी के बारे में भी इन्होंने क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक देश एक कर, इस बार भी कह रहे वन कंट्री वन मार्केट, और सबका फायदा होगा कह रहे। किसान कहीं भी जाइए वो बेच सकते हैं, सबसे अच्छे दाम मिलेगा, सबसे अच्छे मूल्य मिलेगा, सबके हित में है। तो आप तो सरकार के बात तो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। आप कह रहे कि आप पंजाब सरकार का, पंजाब स्टेट फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स वेलफेयर कमीशन का आप अध्यक्ष है, जो किसान और खेत मजदूर कल्याण का जो संस्था है। आप कह रहे कि ये सारे अध्यादेश एक तरह से पंजाब का जो अर्थव्यवस्था है, जो जो कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर करते हैं, और पंजाब का गेहूं चावल और भी चीज पूरा भारतवर्ष में जाते हैं, ये एक तरह से ये पूरा व्यवस्था जो कृषि व्यवस्था एक खतरे में है। कानून से पंजाब में, पंजाब की आर्थिक हालात में गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी कानून है, अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब केंद्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए गेहूं या धान की जब प्रोक्योरमेंट करती है तो वो मंडियों के अंदर से लेती है, और वहां पे उनको मंडी टैक्स दे, मंडी फीस देनी पड़ती है। उस मंडी फीस से पंजाब सरकार सड़कें, गांव की सड़कें, लिंक रोड और मंडियों की मरम्मत करती है, मंडियों को ठीक करके रखती है, जहाँ पे किसानों को अच्छा दाम मिलता है। और अगर आप उदाहरण के हिसाब से देखें कि कोरोना वायरस के समय जब पूरे देश में लॉकडाउन था, तब इतना अनाज पंजाब के मंडियों में आया और इतनी खूबसूरती से, इतनी सफाई से उसका निर्यात हुआ, और हमने उसको जहां जहां भेजना था पंजाब से, हम FCI को देके उसको भेज पाए। ये इसीलिए कर पाए क्योंकि पिछले 40-50 सालों में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है इन मंडियों पे। ये कानून आने से अगर FCI कहती है कि हम मंडियों के बाहर से निर्यात करेंगे, तो फिर पंजाब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा इन मंडियों की मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए किसानों को। पर दूसरी तरफ इसी को समझने के लिए अगर उदाहरण लें, तो आप बिहार का उदाहरण लो। बिहार में 2006 में बड़े बड़े विशेषज्ञों ने, आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा कि APMC बहुत खराब चीज है, इससे पीछा छुड़ाना चाहिए, तो बिहार सरकार ने APMC मंडी को खत्म कर दिया। अब आज के दिन अगर बिहार और पंजाब का हाथ देखें, तो आप देखोगे कि बिहार में कोई भी फसल का MSP भाव नहीं मिलता पंजाब की तरह। वहां पे अगर मक्की देखोगे तो 800 रुपए की मक्की बिक रही है। वो इसलिए बिक रही है क्योंकि किसान के पास कहीं अपना अनाज ले जाने की जगह ही नहीं। तो ये कानून एक रास्ता खोलता है जहां से ढांचा बिगड़ना शुरू हो सकता है। मैं अभी भी समझता हूँ कि केंद्र सरकार अच्छा करने की कोशिश कर रही है, परंतु अगर वो किसान संस्थाओं से मिले, राज्य सरकारों की राय ले, क्योंकि ये अभी अध्यादेश है, ये अभी कानून नहीं बना है, इसको भी पार्लियामेंट में जाना है। अगर ये सबसे राय लेंगे तो मैं जरूर समझता हूँ केंद्र सरकार समझ पाएगी कि इसमें क्या कमियां हैं, उसको वो ठीक कर सकती है। और अगर सरकार वन मार्केट, वन कंट्री वन मार्केट ही लाना चाहती थी, तो सरकार के पास बहुत आसान तरीका था। सरकार कह देती कि आप अपना APMC का टैक्स खत्म कर दें, आपका जो नुकसान होएगा हम भरपाई करेंगे। तो पूरे साल में मेरे को नहीं लगता कि पूरे देश में 10-15 हजार करोड़ रुपए से एक साल से ज्यादा सरकार को देना पड़ता। इतने में सरकारें जैसा केंद्र सरकार चाह रही थी वैसा कर सकते थे। तो जोर जबरदस्ती करने से अच्छा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से, अगर साथ सरकार साथ मिलकर करती तो किसान को भी फायदा होता, राज्य सरकारों को भी फायदा होता, देश के व्यापारियों को भी फायदा होता और कंज्यूमर को भी फायदा होता। पर अभी मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। धन्यवाद अजय जी, आपने आपका समय दिया न्यूज के दर्शक के लिए। आप सुन रहे थे अजय वीर जाखड़ जी।